तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल संजय जी में। और आज की वीडियोस में गाइज हम बात करने वाले हैं कि आप में से मैक्सिमम लोगों का गलती से गूगल पे करने जाते ध्यान से सुनिएगा, आप जाते हो गूगल पे करने लेकिन आपसे हो जाता है गूगल प्ले। ये दोनों चीजों में गाइज बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप करने जा रहे हो गूगल पे किसी के साथ, किसी के पास, बट आप गूगल पे और गूगल प्ले में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो और आपसे गलती से हो जाता है गूगल प्ले रिचार्ज कोड। अब गाइस आप में से मैक्सिमम लोगों को तो ये चीजें पता ही नहीं है कि आखिर ये है क्या गूगल प्ले रिचार्ज कोड। जैसे एक दिन मुझसे भी बाई हो गया था गूगल प्ले रिचार्ज कोड। मैं आपको यहाँ पर गाइस अपने फोन में लेके चलता हूँ, यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, गाइस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमसे एक दिन 100 रुपए का गूगल प्ले का रिचार्ज कोड बन गया था और मुझे पता भी नहीं चला कि गाइस ये आखिर है क्या। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद मुझे पता लगे कि भाई ये तो कोड बन गया है और सिर्फ गेम में यूज कर पाएंगे, नॉर्मल वे में कहीं हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुई। हाँ खैर ये है कि मुझे सिर्फ 100 रुपए का ही रिचार्ज हुआ और आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियोस देखने आए हो आप सभी से हजारों हजारों का हो गया होगा, 5-5 हजार का, 10 हजार का, 20 हजार का। अब ऐसे में आप लोग यार ये सोचते हो कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या इस कोड को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस कोड को हम कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि बिजली का बिल जमा करने में, बच्चों की फीस जमा करने में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियोस डाउट नहीं क्लियरिटी आपको मिलेगी, वीडियोस पूरा देखना। और हम इसे मैक्सिमम लोग हैं जो कि वीडियोस हमेशा हमारी देखते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा उनको फायदा भी मिलता है एंड बहुत ज्यादा उनको मोटिवेशन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि गाइस मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूं जो आप चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप गूगल प्ले और गूगल पे में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो, जाके आप गलती से गूगल प्ले का कोड बना लेते हो, इस तरह का रिचार्ज कोड आपका बन जाता है। अब आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसको हम इस्तेमाल करें तो करें कहां पर। तो आई होप आपको हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे भी गलती से गूगल पे की बजाय गूगल प्ले कोड बन गया है तो आप घबराए ना, इस वीडियो को पहले पूरा देखें, ठीक है? तो पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस देखो, निश्चय स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले मैं अपने गूगल प्ले स्टोर में चलता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर मैं खुद दिखाता हूँ कि गाइस मुझसे खुद गलती से रिचार्ज कोड बन गया था और मैंने बहुत सारा कोड अपने प्ले स्टोर में रिडीम भी किया है। अगर आपको इस कोड को सेल करना है तो सेल भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से पूरी की पूरी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, पूरी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप सारी चीजें समझ भी जाएं और सारी चीजें आप कर भी सकें, ठीक है? और पूरी चीजें देखिएगा ताकि हम आपको सारी चीजें सिखा सकें और सारी चीजें बता सकें, ठीक है? सो अब देखो मुझे करना है क्या, नॉर्मली हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चलना है अपने यहाँ पे जाना है गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में जब तक जाएंगे नहीं तब तक सारा काम होगा नहीं, ठीक है? तो नॉर्मल प्रोसेस करना है। सो प्ले स्टोर में जाना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है गाइस, इसी वजह से जो भी मैं पेजेस ओपन कर रहा हूँ वो नॉर्मली पेजेस ओपन हो नहीं रहे हैं क्योंकि फ़ोन भी थोड़ा सा हीट हो चुका है। सो गाइस अभी जस्ट प्ले स्टोर ओपन होने देते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है? अगर आपसे गलती से गूगल प्ले रिचार्ज कोड बन जाता है तो आप घबराएं ना, सबसे पहले उस कोड को ध्यान से देखें। और दूसरी चीज, कभी भी गूगल पे मत सर्च करना, ठीक है? आप में से मैक्सिमम लोग हैं, जब आपसे गूगल प्ले रिचार्ज कोड बन जाता है तो आप में से मैक्सिमम लोग हैं जाके गूगल पे सर्च करते हो कि फोन पे कस्टमर केयर नंबर, पेटीएम कस्टमर केयर नंबर। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप जाके गूगल पे कोई भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हो तो वहां पर फ्रॉडिया का नंबर आप सभी को मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जब हमारे पास, हमारी टीम के पास कॉल करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसी इश्यूज हो जाती है। प्लीज अगर आपका कोड बने ना तो हम जैसे यूट्यूबर से ही संपर्क करो, क्योंकि हम लोगों को उस कोड के बारे में पता है और अच्छा खासा जो भी अमाउंट है वो अमाउंट भी हम सभी, आप सभी का रिफंड करवा देंगे। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहो, लेकिन हाँ जाके गूगल पे मत सर्च करना। सो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि उस कोड को कॉपी करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर में आना, अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और रिडीम कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से गाइस अगर हम पेमेंट मेथड में जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको पेमेंट मेथड दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पेमेंट मेथड में तकरीबन गाइस देख सकते हो 34,000 रुपए यहाँ पर तकरीबन पड़े हुए, कितना 34,000 रुपए, ठीक है? अब ये 34,137 रुपए पड़ा हुआ है। अब अगर मुझे इसे ट्रांसफर करना है तो कैसे करूँ, प्रोसेस क्या होगा, इसमें तो हमारा लॉस भी होगा भाई, लॉस वो गया भाड़ में। सबसे पहले मुझे इसे ट्रांसफर करना है किसी जतन बस, मतलब अगर इसका मुझे 60% अराउंड मिल जाता है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के मेरे पैसे वापस हो जाए बस, ठीक है? ये चीजें हैं।
मेरे भी दिमाग में ये चीजें थी। अब दूसरी चीज, अगर आप सोचे इसकी हम गैस बिल जमा कर दें, नहीं कर सकते हो। अगर इसके बच्चों की फीस जमा करना चाहो इससे, नहीं कर सकते हो जब तक इसे आप पेटीएम कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो देखो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है रिवॉर्ड कन्वर्टर ऐप। क्या? रिवॉर्ड कन्वर्टर ऐप। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो सबसे पहला वाला जो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया, यही एप्लीकेशन सिर्फ डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन को आपको ट्रिक करना है। अनक्लिक करने के बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन वन की डाउनलोड है, 4.7 की रेटिंग है। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जस्ट इसे आपको डाउनलोड कर लेना। ध्यान से पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ अच्छे से क्लियरिटी से समझिएगा। अपनी मन से कोई भी काम मत करना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही करिएगा, ठीक है। सो इसे जल्दी से क्या करना है, इसे आपको डाउनलोड करना है और सीधा इसे ओपन करना है। ध्यान दीजिएगा जब भी आप इसमें इसको ओपन करते हैं तो अपने उसी ईमेल आईडी से साइन इन करेंगे जिसमें आपका गूगल प्ले बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बाद में फॉल्ट हो जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अब यहां पर गाइस देखो लिखा हुआ है रिसीवेबल अमाउंट इज 60% ऑफ मनी यू कन्वर्ट इट यूजली टेक अ 7 बिजनेस डेज टू क्रेडिट इन योर अकाउंट। देखिए गाइस जब भी हमसे गलती से गूगल पे की बजाय गूगल प्ले रिचार्ज कोड बन जाता है तो पहली बात तो हमसे कोड बन गया है, अब उसे डायरेक्ट तो हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, उसे हमें किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू करना ही करना पड़ेगा, और ऐसा एप्लीकेशन जो कि ट्रस्टेड होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो करना क्या है, इस एप्लीकेशन की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी समस्या, कोई भी अगर इश्यूज आता है तो ऐप के अंदर कस्टमर सपोर्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, सारा कुछ अवेलेबल है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आप गाइस देखो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट लिखे हुए हैं, अमाउंट कितने, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000 और 20000, ये ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर मैं 250 ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो जस्ट हम 250 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर मैं पेटीएम सेलेक्ट करूंगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर हमें अपना नेम डाल देना है, यहाँ से अपना फोन नंबर डाल देना है, यानी कि अपना पेटीएम नंबर, वो पेटीएम नंबर जो एक्टिवेशन होनी चाहिए जिस पर आपका पेमेंट इजीली चला जाए। तो अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि अमाउंट जो है वो 250 है, जो आपकी सर्विस चार्ज है वो 100 रुपए पड़ रहे हैं, पे आउट जो है वो आपका पेटीएम है, डेट जो है वो आज की डेट है, नेम है जो संजू है, कॉन्टेक्ट नंबर आपका शो हो रहा है, एंड एक्सपेक्टेड डेट 7 डेज में डिलीवर होता है। तो आज की डेट अगर आज 15 तारीख है तो ये हमें 22 तारीख की डेट दे रहा है कि 22 तारीख को हमारा पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा, इस जो पेटीएम नंबर दिया इसी पेटीएम नंबर पे। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे अपना पेमेंट ही वापस लेना है। अब इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, जस्ट हम कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हो हमारा यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है। गाइस आप में से मैक्सिमम लोग जब नए नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो उन्हें पता नहीं होता, जब भी आप ऑर्डर लगाते हो तो यहाँ पर ये चीजें जरूर देख लिया करो कि क्या आपका गूगल प्ले बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपका गूगल प्ले बैलेंस शो हो रहा है तभी यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। अब क्या करना है, नीचे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेव नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देता हूं और अब यहां पर देख सकते हो कि पेमेंट हमारा प्रोसेसिंग शो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर पेमेंट हमारा प्रोसेसिंग सक्सेसफुली हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल लग चुका है। अब हमें कहां जाना है, अब हमें हिस्ट्री में जाना है। तो गाइस हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट हिस्ट्री में जाएंगे तो गाइस देख सकते हो इससे पहले हमारा जो था वो 1000 का ऑर्डर था, अभी जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर है वो 250 रुपए का है। कितना? 250 रुपए का। हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर भी जनरेट हो चुका है 3327269794878013135। ये हमारा ऑर्डर नंबर है, इस ऑर्डर नंबर से हम इनके टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑर्डर नंबर दे सकते हैं कि सर हमारा भी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के गाइज अब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल यहाँ पर लग चुका है। अब कहाँ जाना, बैक जाना है, सपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। गाइज देखो कोई भी समस्या, कोई भी अगर आपको कोई कुछ भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये करना है कि इनके मेल आउट पे इनके टीम पे मेल करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इनके टीम के पास मेल कर सकते हो कि सर मेरा पेमेंट नहीं है, कब तक आएगा प्लीज मुझे बता दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो इनके टीम से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो कि सर मेरा इस डेट का ऑर्डर है और अभी तक पेमेंट मुझे नहीं मिला, उनकी टीम खुद आपको बता देगी। दूसरी चीज,
तभी अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है, देन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इनके टीम को देखो कॉल बैक रिक्वेस्ट अरेंज करवा देगी और अब बात आपकी बात हो जाएगी। यहाँ से गाइस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस ऐप को शेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि आप ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो गूगल प्ले और गूगल पे में डिफरेंस नहीं समझते, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। आई होप ये वीडियोस देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब आपको चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको अपने टीम का व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में होगा, तो हमारी टीम से भी डायरेक्ट आप बात कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। सो गाइस बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन सुबह। थैंक यू।